Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. So today I explain SS chapter 4 part 1. आज हम लोग SS के जो chapter है part 1 उसके बारे में जानेंगे. इस chapter में हम लोग देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे और हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है और क्या मूवमेंट्स था इंडिया का. ठीक है, तो चलो आज हम लोग ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं. इस चैप्टर में हम लोग बड़े बड़े बहुत ही जो देश प्रेमी थे उसके बारे में जानेंगे और कैसे हम लोगों को आज़ादी तक हम लोग पहुँचे थे उसके बारे में भी इस चैप्टर में दिया गया है. सबकी जो बलिदान है, कुर्बानी है, उस इस चैप्टर में है. तो चलो हम लोग रीड करते हैं. ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया ब्रिटिशर्स बिकेम फेमिलियर इन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया. जैसे ही इस दौरान जो था ब्रिटिशर्स ने बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग बन गया था और उन लोग का जो कंडीशन था, पॉलिटिकल कंडीशन जो था भारतवर्ष में अपना बहुत ही मजबूत बना लिया था. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टूक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स और इंटरियल वीकनेस इन इंडिया फ्रॉम 1757 AD आफ्टर क्रिपिंग टू बंगाल टू द अपराइजिंग 1857 AD. इट्स एस्टैब्लिश्ड इट्स सुप्रीमेसी ऑफ इंडिया इन इट्स 100 ईयर्स. उन लोगों ने तब ऑलरेडी हमारे देश में 100 साल तक राज कर लिया था. मतलब 1757 से 1857 तक अपना राज उन लोगों ने चला दिया था. इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सुप्रीमसी, इस ऑर्डर में जो है सुप्रीमसी ने ऑर्डर दिया था, इंग्लिश ग्रेजुअली डेवलप्ड, जो इंग्लिश था बहुत ही डेवलप्ड हो गया था, शक्तिशाली बन गया था, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में हो चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हो इस हमारे देश में. थ्रू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कॉमन लॉज, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल सिस्टम, एक्वेटिक विशेष सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस. और जो सिस्टम था उन लोगों का ये उन लोगों ने चालू कर दिया था. येट द इंग्लिश रेजाइडिंग्स इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड सच लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन द दैट इंग्लैंड लोग जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो थे इंग्लैंड में लिए थे. वुड गेट मोर बेनिफिट्स, और इसमें जब बहुत ज़्यादा उन लोग को बेनिफिट्स मिलते थे. एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में जो है इंग्लैंड जो है बहुत ही अपना जो है बहुत ही प्राचुर्यशील बन गया था. द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग्स इन 1857, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट कॉस्ट ऑन अपराइजिंग्स 1857 वेयर पॉलिटिकल डिसफेक्टेशंस, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स. मिलिट्री फैक्टर एंड इमीडिएट रिसर्च रीजन्स लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरफील्ड राइफल एंड आर्मी. मतलब उन लोगों के बात हमारे देशवासी नहीं मान रहे थे, चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे वो इकोनॉमिक में हो, कुछ उन लोगों के मध्य मतलब मतभेद जो है मनमुटाव चल रहा था. तब तो ज़्यादा ये मनमुटाव बढ़ा जबकि ना इनफील्ड राइफल जो आर्मी वाले इसको ना मंगल पांडे जो थे वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ द अपराइजिंग. ये पहला जो है अपराइजिंग का जो है पहला मार्टियर थे. सर्वियल रेवोल्यूशनिस्ट लाइक नाना साहेब, इनके साथ साथ जो थे नाना साहेब, तांतिया टोपी, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जाफर, ये सब उन लोग के साथ जुड़े थे. टू का पार्ट इन इट, इन लोगों ने इनके साथ हिस्सा लिया था इस समय. द अपराइजिंग 1857 प्रोड्यूस्ड मेनी इफेक्ट्स अमंग विच ऑफ द कंपनी रूल्स एंड द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन राहुल एंड क्वीन विक्टोरिया. जो इसका क्वीन विक्टोरिया का एक रूल था, चेंज द एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिक्स, जो सब में चेंजेस कर दिया था. द रीजंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर ऑफ द 1857 का कारण था 1857 में उन लोग का जो उन लोगों ने जो चाल चले थे वो फेल हो गया था. बिगिनिंग अपराइजिंग बिफोर प्लान टाइम, लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप, इनसफिशियंट अनपोलिटिसाइज ऑर्गेनाइज लीडरशिप्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल इन प्रीवियस क्लास. इसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं. ये क्यों हुआ था मैं अभी तुम लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते हैं वो गाय और सुअर के जो है चमड़ी से बना हुआ होता है, उसमें उसकी चमड़ी यूज़ होती है, तो उसको मुँह से खींच के लगाना पड़ता है
राइफल में, तो जैसे ही ये बाड़ी आए, मंगल पांडे जो थे वो हिंदू ब्राह्मण थे, उसने मना कर दिया कि हम तुम्हारे रूल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे लिए धर्म की बात है और हम भगवान मानते हैं गाय माता को, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। मुसलमान भी जो है वो भले ही गाय की ना उन लोग मतलब जो है उनका जो सिस्टम है उसके हिसाब से यूज़ करते हो, पर उसमें जो सुअर की जो चमड़ी थे वो उन लोग मुंह पे नहीं लगाएंगे। तो दोनों जब साथ में एक हो गए और इसके खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बॉयकॉट एंड इंडिजिनियस मूवमेंट्स, जो इंडिजिनियस मूवमेंट्स था बॉयकॉट हो गया, जो बंग भंग मूवमेंट था 1905 में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरू हो गया था। नेशनल मूवमेंट्स बिकॉज डिवाइडेड रूल एंड पॉलिसी, रूल एंड पॉलिसी के खिलाफ, एज अ रिजल्ट ब्रिटिशर्स जो थे मैकलेबिलियम्स पॉलिटिक्स बॉयकॉट मूवमेंट एंड गॉट एन इम्पिटस। बंगाल वॉज अ बिग प्रोविंसेंस टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, बंगाल बहुत बड़ी एक प्रोविंसेंस था ब्रिटिश रूल के जरिए। ये इन लोगों ने जो है बंगाल बिहार उड़ीसा कंपेयर्ड एंड अदर स्टेट्स, बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल एवकनी, बंगाल को जो है सेंट्रल पॉइंट बनाया गया और वहाँ से इन लोग ये आंदोलन की शुरुआत की। द इम्प्यूट्स एंड थॉट्स फॉर द नेशनल मूवमेंट केम फ्रॉम बंगाल, ये सब जो है बंगाल से आया। इन द 1857 रिवॉल्ट हिंदूज एंड मुस्लिम जो है कलेक्टिवली इंग्लिश के खिलाफ लड़ाई करने लगे। दैट्स वाई थ्रो द इंग्लिश टेरिटरी एंड डिवाइड्स एंड रूल, जो इंग्लिश का जो स्ट्रैटेजी था डिवाइड एंड रूल उस पर असर पड़ा। दे encouraged communism and caused by division among people, वो जो है कम्युनिज्म और डिविंग पीपल का विक्टोरी वाइसराय कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन के नाम पे हम लोग जानते हैं, 1899 में 95 डिवाइडेड वेस्ट बंगाल को उन्होंने अलग कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली, और ये भी इफेक्टिव बहुत हुआ था। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इन द डिविजन्स ऑफ बंगाल व्हेन बंगाल वॉज डिवाइडेड 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को जो है बंगाल को डिवाइडेड किया गया 1905 में। होल बंगाल ऑब्जर्व डे नेशनल मॉर्निंग डे, पूरे बंगाल जो है इस दिन को नेशनल मॉर्निंग डे के नाम से उद्यापन करते हैं। द सेम डे अनाउंसमेंट अबाउट बॉयकॉटिंग फॉर फॉरेन गुड्स एंड एनकरेजमेंट ऑफ इंडिजिनियस गुड, जो फॉरेन कपड़े हैं फॉरेन के जो माल है ब्रिटिशर्स के वो सब इन लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ साथ उन लोगों ने ये भी स्थापित किया जिसको हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें गांधी जी भी हमारे शामिल थे। आपको शायद पता नहीं होगा, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर और उनके बड़े भाई जो थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी इसमें। उन लोगों ने जो है बंगाल में एक ऐसा आश्रम बनाया था जहाँ पे उन लोग सिर्फ देसी और चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन लोगों का साथ सब दे, और उन लोग देसी कपड़े पहनने लगे थे, देसी जूते इस्तेमाल करने लगे थे, सब बॉयकॉट कर दिया था उन लोगों ने, जो फॉरेनर्स चीज़ें जो विदेश से आने वाले वस्तु थे वो सब कुछ, इसको जो देखो स्वदेशी बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, और उन लोगों ने जो है नेशनल एजुकेशन लेने का सोचा, इंग्लिश को उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था। इंडिया बेनिफिटेड अ लॉट ऑफ दिस स्वदेशी मूवमेंट, इंडिया को इस मूवमेंट में बहुत सारे जो है अचीवमेंट मिला। वाइल द इंग्लिश इंडस्ट्री इज बैडली अफेक्टेड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, और इसलिए जो है इस वजह से जो है उन लोगों का जो इंडस्ट्री था उसमें फॉरेन गुड्स में बहुत ही नुकसान पहुंचा। द क्लॉथ कमिंग फ्रॉम मैनचेस्टर स्टॉप्ड, शुगर सिगरेट सब कुछ जो है वो बंद हो गया था। द पार्लियामेंट विद दिस ईयर 1991 डिवीजन इज स्केप्ट स्क्रैप्ड एंड दिस बाय दिस पार्लियामेंट वॉज द मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ इंडियाज विक्ट्री रिलेटेड एफर्ट्स एंड द नॉर्थवर्थी विक्ट्री ऑफ द अवेकिंग अगेंस्ट द इंग्लिश रूल, सबने जो है एक साथ मिलकर इंग्लिश जो है उसके खिलाफ हमला मोड़ दिया था। मुस्लिम लीग 1996 बाय अडोप्टिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इंग्लिश वांटेड क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच इंग्लिश को लेके जो है उन लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। देयर देन विक्ट्री ऑफ लॉर्ड मिंटो जो थे वाइजर दीवान वजीर जो है टुगेदर प्लानेड एंड क्रश इंडियन एंड नेशनलिज्म, आपको पता होना चाहिए जो आगा खान है उन्होंने जो है इस जो है
इंग्लिश को उन लोगों उन्होंने अपनाया था, लॉर्ड मिंटो जो है उनके साथ उन्होंने दिया था, बाकी कोई मुस्लिम ने उनका साथ नहीं दिया था। द इंग्लिश बिकम सक्सेसफुल कॉन्वर्सिंग ग्रुप मुस्लिम दैट दे मस्ट फ्रॉम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसलिए जो है उसने अपनाया था, इसलिए ये जो है मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें ये मेन हो गया था। 1906 में रिलीजियस हेड द मुस्लिम्स आगा खान, मैंने अभी जो कहा नवाब दक्स समीउल कला वाइसराय मिंटो, इन ऑर्डर द स्टॉप मुस्लिम अटेंडिंग एनुअल कॉन्फ्रेंस, उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस मिलाया था उसमें उन लोगों ने कांग्रेस एनुअल कॉन्फ्रेंस जो उसमें थे उन लोगों ने उन्होंने ब्रेन चाइल्ड ऑफ मुस्लिम एंड द इंग्लिश पॉलिसी उन लोगों ने ये अपनाया था। मिंटो स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ टेकिंग मुस्लिम्स एसोसिएशन, मिंटो ने जो है उन्होंने मुस्लिम एसोसिएशंस में अपनी इंग्लिश जो ये पॉलिसी चालू किया था। दैट्स वाई मैरी राइटर्स कंसिडर मिंटो एंड द फादर मुस्लिम्स कम्युनिज्म एंड हेट्रोय हिस्टोरियन द गोज इज एक्सटेंड स्टेइंग दैट एंड द क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट मोहम्मद अली जिन्ना एंड रविंद्र रहमतुल्ला but minto since then is this conflict between hindus and muslims increased and refused and division in india। lekin hamare is jo dono ke beech mein jhagda lagane ka karan tha, minto ne jhagda lagwa diya tha jab pakistan ko alag kar diya tha aur hindustan ko alag kar diya tha, jo mohammad ali jinnah the wo aur jo hamare pakistan ka aur hamare hindustan ko alag kar bhi diya tha, ye jhagda ka un logon ne jo hai bahut hi उन लोगों ने फ़ायदा उठाया था। तो आज जो है हम लोग यहाँ तक ही जानेंगे, इसके बाद के लेक्चर में हम लोग जो नीचे का पैराग्राफ है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आज आपको लिखा है मुस्लिम लीग लिखना है, बॉयकॉट एंड इंडस्ट्रियल मूवमेंट्स लिखना है और द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग 1857, ये आपको मुझे लिख के आज होमवर्क में टू टाइम्स बताना है, साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स आपको भी मुझे करके बताना है। सो आज का लेक्चर जो है बेटा यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है, इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे। सो टेक केयर योर सेल्फ, गुड बाय और स्टे सेफ स्टे